हेलो व्यूवर्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फर्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिन एंगल का सम 90 डिग्री या उससे कम होता है वो एंगल्स क्या कहलाते हैं? जिन एंगल का सम 90 डिग्री होता है उन एंगल को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखने के लिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। तो ये एक ट्राइंगल 90 डिग्री, लेट के इसका एंगल बी 90 डिग्री है। एंगल बी इज़ राइट एंगल, एंगल ए और एंगल सी इसके क्या है? एक्यूट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि जो प्रू पार्ट लिखा हुआ है उसमें सारे एंगल ए में बने हुए हैं, तो मैंने ए को बेस पे लिया। जिस एंगल के हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट करने होते हैं उस एंगल को हम बेस पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये एंगल ए हो गया बेस पे। एंगल ए और सी हमारे क्या है? एक्यूट एंगल। जिनका सम 90 से कम होता है उनको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है, तो अब इसके अंदर बी एंगल तो हमें पता है कि 90 डिग्री है, ए और सी का हमें नहीं पता। तो लेट की एंगल ए को हम एंगल ए ही राइट करते हैं। तो देखते हैं एंगल सी कितना आता है। तो हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? सम 180 डिग्री। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पता है हम उसको यहाँ पर राइट कर लेते हैं। एंगल ए एंगल ए ही है, बी यहाँ पर है 90 डिग्री और एंगल सी जो कि है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 90। 90 को हमने ट्रांसफ़र किया, प्लस साइन माइनस हो गया। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो गया? 180 माइनस 90, 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए को हमने एंगल ए ही लिया, तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे कि एंगल सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, तो एंगल सी की वैल्यू हमारी हो गई 90 डिग्री माइनस एंगल है। तो हमारे ट्राइंगल के तीनों एंगल कंप्लीट हो गए, 90 डिग्री माइनस एंगल ए, तीनों एंगल अब कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल के लिए क्योंकि एंगल ए बेस पे है तो हम इससे सिर्फ एंगल ए की वैल्यू ही राइट करेंगे। तो हम राइट करते हैं फर्स्ट इसी ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल से साइन ए कितना हो जाएगा। साइन ए का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं ये भी आपको लिख के बता देती हूँ कि पी बी पी एच एच बी, तो ये रेशियो होता है साइन, ये होता है कॉस, टैन। ये इजी ट्रिक है याद करने की, बाकी आप जैसे भी याद करना चाहें, मैंने इनको ऐसे ही याद किया हुआ है। साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट। तो साइन पी परपेंडिकुलर हाइपरटेनियस होगा, तो कॉसेक हाइपरटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही इन छः का हमें याद रखना है। तो साइन कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर वो होता है जिस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। बेस जो कि ए बी है और हाइपोटेनियस जो परपेंडिकुलर और बेस को ज्वाइन करता है, ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया इसमें? बी सी। और हाइपोटेनियस कौन हो गया? ए सी। ठीक है, हम पहले फर्स्ट इन दोनों रेशियो की कैसे कैलकुलेट करना है या कैसे फाइंड करना वो देखते हैं। नाउ अब यहाँ पे देखो, हम कॉस ए भी राइट करते हैं। कॉस ए कितना हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा कितना है? ए बी, और हाइपोटेनियस कितना है? ए सी। ठीक है, तो ये तो हमने इक्वल की वैल्यू फाइंड कर ली कॉस ए और साइन ए। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन 90 माइनस ए की और कॉस 90 माइनस ए की। तो ये एंगल हमारा एक्यूट एंगल बेस पे नहीं है, तो या तो आप पेपर को टर्न करके बेस बी सी बना लो, या फिर हम क्या करते हैं एक ट्राइंगल और ड्रॉ करते हैं, सेम ट्राइंगल बट हम क्या कर रहे हैं एंगल सी और बी सी को बेस पे ले रहे हैं, क्योंकि हम अब 90 माइनस ए बनाने वाले हैं। तो 90 माइनस ए को जिस भी एंगल के लिए आपको रेशियो राइट करने हैं वो आपका बेस पे होना चाहिए। तो हमने इसको बेस पे बना लिया, ये हमारा सेम 90 डिग्री है और एंगल ए हमारा एंगल ए ही है। ठीक है, तो अब हमारा
सॉरी ए, ये ए है, तो हमारा ए बी अब क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और बी सी क्या हो गया, बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो साइन 90 डिग्री माइनस एंगल सेम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो अब हमारा इसमें परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और बेस कौन है, हाइपोटेन्यूस कौन है, ए सी. और हम कॉस 90 माइनस ए फाइंड करेंगे, तो कॉस 90 माइनस कितना होता है, बी अपॉन एच. तो ये कितना हो गया, भाई बेस कौन है हमारा, बी सी, और हाइपोटेन्यूस ए सी. तो आप इन चारों से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, इन चारों से क्या कंक्लूजन निकला. देखो लेफ्ट तो अलग है, लेफ्ट तो सबके ही डिफरेंट है, राइट से हम कंक्लूजन देखते हैं क्या कौन किसके इक्वल है. देखो इसका बी सी अपॉन ए सी फर्स्ट किसके इक्वल है, राइट, इसका राइट भी देखो बी सी अपॉन ए सी, तो मीन्स कि दोनों के राइट पार्ट इक्वल है, तो लेफ्ट भी क्या होने चाहिए, इक्वल. तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन साइन ए किसके इक्वल होगा, कॉस 90 माइनस ए के. ठीक है, क्योंकि एक्यूट एंगल आपका चेंज हो गया. और कॉस ए किसके इक्वल हो रहा है, यहाँ देखो ये ए बी अपॉन ए सी है और ये ए बी अपॉन ए सी, दोनों के राइट इक्वल है, तो लेफ्ट भी क्या होंगे, इक्वल. तो साइन 90 माइनस ए. ठीक है, समझ में आया, 90 डिग्री माइनस ए. तो अब आपको समझ में आया कि साइन ए कॉस 90 माइनस ए के कैसे इक्वल है, और कॉस ए साइन 90 माइनस ए के. तो ये इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ये एंगल क्या होते हैं, क्योंकि ए और 90 माइनस ए को अगर आप ऐड करोगे तो सम कितना आएगा, 90. तो इन जिन एंगल का सम 90 होता है वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री. अब हम देखते हैं नेक्स्ट 10 के लिए. तो इस फर्स्ट ट्राइंगल से हम 10 एंगल ए फाइंड कर रहे हैं, तो 10 ए क्योंकि एक्यूट एंगल बेस पे है, तो ये वाले ए बी सी ट्राइंगल, ये जिसमें एंगल ए बेस पे वो लेंगे, तो 10 कितना होता है, पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर कितना है, बी सी, सॉरी पी अपॉन एच एच बी आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी आएगा बेस, तो बी सी अपॉन ए बी. और 10 के साथ कौन है, 10 के साथ देखो रेशियो में कौन है, कॉट है, तो अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे, कॉट. तो कॉट ए कितना हो जाएगा, कॉट ए होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस कितना है इस ट्राइंगल में, ए बी अपॉन और परपेंडिकुलर बी सी. अब ठीक, हम इससे 90 माइनस ए राइट करते हैं, तो 10 90 डिग्री माइनस एंगल ए कितना हो जाएगा, 10 सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो अब 90 माइनस एंगल ए चाहिए, तो हम सेकंड ट्रायंगल देखेंगे, क्योंकि जो एंगल है वो बेस पे होना चाहिए, वो एक्यूट एंगल कहाँ होना चाहिए, बेस पे. तो अब हमारा ट्रायंगल चेंज हो गया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अब कौन है, ए बी, और बेस कौन है इसका, बी सी. और कॉट 90 डिग्री माइनस एंगल ए कितना हो जाएगा, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका बेस कौन है, बी सी, और परपेंडिकुलर कौन है, ए बी. तो अगेन अगर हम इन चारों को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे देखो इसका राइट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो इसका राइट है बी सी अपॉन ए बी, और इसका भी राइट है बी सी अपॉन ए बी. राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो लेफ्ट भी दोनों के क्या होंगे, सेम. तो 10 ए किसके इक्वल आ गया, कॉट 90 डिग्री माइनस एंगल ए, तो ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. और सेम कॉट इस टर्म के लिए ए बी अपॉन बी सी है, राइट, और इसका भी ए बी अपॉन बी सी है, तो कॉट ए किसके इक्वल हो जाएगा, 10 90 डिग्री माइनस एंगल ए के. तो ये इसका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. नाउ लास्ट हमें चाहिए कॉसेक और सेक के अंदर, तो हम इसमें कॉसेक और सेक देखो, यहाँ पे कॉसेक क्या होता है, एच अपॉन पी, और सेक क्या होता है, एच अपॉन बी. तो हम इन दोनों के रेशियो राइट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कॉसेक ए कितना होता है, एच अपॉन पी. ठीक है, कॉसेक हो गया एच अपॉन पी, तो फर्स्ट
एंगल ए चाहिए, तो हम फर्स्ट ट्राइंगल से देखेंगे. फर्स्ट ट्राइंगल्स में हाइपोटेनियस कौन है? ए सी. फर्स्ट ट्राइंगल में हाइपोटेनियस है ए सी, और परपेंडिकुलर कौन है? बी सी. ठीक है, और एक और हमें लिखना है सेक ए. तो सेक ए हमारा क्या होता है? एच अपॉन बी. तो ये हो गया एच अपॉन बी. तो यहाँ इस फिगर में हाइपोटेनियस हमारा कौन है? ए सी अपॉन, और बेस कौन है? ए बी. ठीक है, अब हमें सेकंड ट्राइंगल से राइट करना है कॉसेक 90 डिग्री माइनस एंगल है. तो कॉसेक क्या हो गया? एच अपॉन बी. तो इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कौन हो गया? ए सी, और परपेंडिकुलर कौन है इसका? ए बी. ठीक है, और सेक 90 डिग्री माइनस एंगल ए कितना हो गया? एच अपॉन बी. तो इसका, क्योंकि एक्यूट एंगल हमारा चेंज हो गया, तो ट्राइंगल भी हम चेंज कर देंगे. तो यहाँ पे हाइपरटेनियस कौन है? ए सी. हाइपरटेनियस दोनों ट्राइंगल में सेम है, और यहाँ पे बेस कौन है? बी सी. अब हम इन चारों टर्म को फिर से कंपेयर करेंगे. तो कॉसेक और सेक, देखो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है. ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी. तो ये दोनों की राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी इक्वल. कॉसेक ए किसके इक्वल आएगा? सेक 90 डिग्री माइनस एंगल ए के. और इन दोनों के भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है. ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल आएगा. तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस एंगल ए इक्वल टू आएगा सेक ए. ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे होते हैं, कैसे इनको हम राइट करते हैं, ये सारे आपको याद रखने, क्योंकि ये हम एक्सरसाइज 8.3 में हम इनको यूज़ करेंगे. तो ये सारे आपको इनको याद रखने हैं और हम इनको यूज़ करेंगे. आई होप आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाना समझ में आ गया है कि ये कैसे आते हैं. अगर आपको इनका प्रूफ या फिर कैसे इनको कैलकुलेट करना अगर आपको समझ में आ गया, तो आपको याद रखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी. बस ये याद रखना है साइन का कॉस से रिलेशन होगा, कॉस का साइन से, टेन का कॉट से, कॉट का टेन से, और कॉसेक का सेक से, सेक का कॉसेक से. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन, बेल बटन प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू.